हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। तो आज हम बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं जो कि है चिगुर दाल। तो मैंने यहाँ पे चिगुर ले लिया है, इस तरह से अच्छे से साफ़ करके, यानी कि जो भी काढ़ी है उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके पत्तों को और काढ़ियों को अलग कर दिया है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ मूंग की दाल। आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी दाल यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे 1.25 किलो की मूंग की दाल ले रही हूँ। और चिगुर आपको इतना लेना है कि उसमें जो खट्टा हो वो आपको बैलेंस लगे। तेलंगाना के ज़्यादातर गांव में ये बहुत बनता है, तो बहुत ही फेमस दाल है ये, और बहुत स्पेशल भी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए जल्द से शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक पैन रख लिया है, गैस को मैं ऑन कर दूंगी। तो पैन हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है। अब हम जो दाल है, दाल को हम हल्के से भुनेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.25 किलो की दाल ले रही हूँ और इसको हम हल्के से भुनेंगे, यानी कि एक सोंधी खुशबू आ जाएगी इसमें। ड्राई रोस्ट कर रहे हैं हम दाल को। आप इस तरह से दाल बना के देखें, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हम दाल को भुनेंगे हल्के आँच पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना करें, मीडियम फ्लेम पे इसको हमको भुनना है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक्स दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। तो इस तरह से हम इसको हल्के से भुनेंगे। तो दाल को हमने भुनना है। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है ये दाल, क्योंकि मूंग की दाल को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ा और आप देख सकते हैं कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और बहुत ही सोंधी एक खुशबू आ रही है दाल में। इससे क्या होता है, बहुत इसका जो टेस्ट, जो दाल का टेस्ट है वो दुगना हो जाता है इस तरह से अगर आप भून के बनाते हो। तो आप चाहें तो कोई भी दाल आप पहले भून के उसके बाद आप धो के उसको पकाएं और फिर देखें, टेस्ट बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ तेलंगाना का सबसे फेमस जो यही है कि गांव में बिना भुने कोई भी दाल नहीं बनाता है, और वो लोग कुकर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मूंग की दाल है हमारी, वो कलर हमारी चेंज कर रही है, हल्के से हल्का एकदम एक गोल्डन कलर आ रहा है इसके ऊपर। आपको इसको जलाना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, बस हल्के से गोल्डन कलर में ये आ गया है। अब हम यहाँ पे गैस ऑफ कर देंगे। अब इस दाल को हम, तो भुनने के बाद भुने हुई दाल को हम इस तरह से कुकर में डाल देंगे। और इसको पानी से, मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। दो ग्लास भर का मैंने इसमें पानी डाल दिया है। एक छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी। हम तड़के में भी हल्दी डालेंगे, इसलिए हम एक छोटा चम्मच ही इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर का नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से डालें। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च भी हम इसमें एक चम्मच भर का डाल रहे हैं। दो से तीन चम्मच हम डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल, ताकि जो दाल है वो थोड़ी सी जल्दी गल जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे चिगुर जो हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। तो इसमें हम ये चिगुर ऐड कर देंगे। इस तरह से हम इसमें चिगुर डाल देंगे। चिगुर आप अपने हिसाब से ले लें। अगर आप थोड़ा खट्टा पसंद करते हैं खाना, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। लेकिन अगर आप खट्टा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कम डाल लें।
क्योंकि ये इमली के पत्ते होते हैं, बहुत ही फ्रेश ताज़े जो होते हैं इमली के पत्ते, उसको यूज़ किया जाता है दाल में, तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है ये। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन लगा देते हैं, 2 से 3 सीटी के लिए हम इसको गला लेंगे। तो दाल हमारी यहाँ पे गल गई है, इसको मैश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मूंग की दाल बहुत जल्दी गलती है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको गाढ़ी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें आधा ग्लास और पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको बघार लेते हैं। तो मैंने इस तरह का एक भगोना रख लिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच भर का घी, आप चाहे तो सिर्फ तेल भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। घी को हम गरम होने देंगे। तो जब घी हमारा गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे, तो घी हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई, यानी कि दाल को अच्छे से बघारेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन, लहसुन को मैंने अच्छे से कुचल लिया है, इसमें हम डाल देंगे। फ्रेंड्स आपका बघार जलना नहीं चाहिए। 1 चम्मच हम डाल रहे हैं जीरा, जीरा हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं। अब इसके साथ हम डाल देंगे थोड़े कटे हुए प्याज, एक छोटा प्याज हम डाल रहे हैं इसमें। प्याज को हम हल्का सा लाल करेंगे। अब इसमें हम 4 से 5 सूखी मिर्च डाल रहे हैं, इसको हम बीच में से तोड़ लेंगे। तो सूखी मिर्च हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम हरी मिर्च नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरह से हम सूखी मिर्च डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से रेड कलर में, तो इसको भी हम अच्छे से लाल कर लेंगे, यानी कि बघार को हम हल्का सा गोल्डन कलर में कर लेंगे। ज़्यादा इसको आपको जलाना नहीं है, अगर आपका बघार जलता है तो पूरी की पूरी दाल जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको बघार बहुत अच्छे से करना है, जितने अच्छे से आप बघारोगे आपकी दाल उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से हम इसको बघार लेंगे। तो बघार यहाँ पे लाल हो गया। अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, 2 से 3 डंडी हम कड़े पत्ता डाल रहे हैं। गैस को आप स्लो पर ही रखें और आप 1 छोटा चम्मच हम हींग डाल रहे हैं। हींग बहुत इम्पोर्टेंट है दाल में, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब डालेंगे हमें 1 छोटा चम्मच हल्दी, हल्दी हमने दाल में भी डाली थी, इससे क्या है कलर बहुत अच्छे से आता है दाल में, तो हमने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी है। तो हमारा यहाँ जो बघार है वो रेडी हो गया है। अब जो दाल हमने गला के रख ली है उसको हम यहाँ पे इस तरह से टर्न कर देंगे। अगर आप चाहें तो दाल को इसी कंसिस्टेंसी में रख सकते हैं, यानी कि आप इसको गाढ़ा रख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 1/2 ग्लास वाटर ऐड करके एक बॉईल कर लें। तो मैं यहाँ पे 1/2 ग्लास भर का पानी डाल रही हूँ। अगर आपको गाढ़ी ही दाल खानी है तो आप ऐसे ही रख लें।
तो यहाँ पे आप टेस्ट कर लें नमक और मिर्च। तो फ्रेंड्स, हमारी जो तेलंगाना विलेज स्टाइल छिगुर दाल है वो यहाँ पे रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा दाल बनाने में। तो अब हमारी दाल यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। अब इसको गर्मा गर्म अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने मेहमानों को खिलाएं, खाएं और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।